हेलो दोस्तों दोस्तों हम सभी लोग अर्थ पे रहते हैं, लेकिन हमें बार बार ऐसे ख्याल आते रहते हैं कि जीवन सिर्फ अर्थ पे ही क्यों है। क्या हमारे यूनिवर्स में ऐसे कोई और प्लैनेट नहीं है जहाँ पे जीवन एग्जिस्ट करता हो? साइंटिस्ट भी अर्थ के बाहर ऐसे प्लैनेट ढूंढते रहते हैं जिन्हें हम एग्जोप्लैनेट बोलते हैं। हम ऐसे ही प्लैनेट बाहर ब्रह्मांड में ढूंढते हैं जो हमारे अर्थ से मिलते जुलते हो, जिनमें पानी, गैस और धरती तीनों चीजें मौजूद हो। तो आज हम ऐसे पांच ग्रहों के बारे में जानेंगे जहां एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है और या फिर फ्यूचर में हम वहां पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक स्पॉट पे वेलकम है। पहला एक्सोप्लैनेट है K2-18b। दोस्तों, वैसे तो हम एक्सोप्लैनेट में उन्हीं प्लैनेट की खोज करते हैं जो हमारी पृथ्वी ग्रह से मिलते जुलते ग्रह हो, लेकिन K2-18b एक ऐसा ग्रह है जिसने ये साबित किया कि बड़े ग्रहों पे भी जीवन हो सकता है। सितंबर 2019 में इस प्लैनेट ने साइंटिस्टों को शॉक कर दिया जब इस प्लैनेट के एटमोस्फेयर में वाटर वेपर डिटेक्ट किए गए। ये एक ऐसा ग्रह था जिसमें हमारे सोलर सिस्टम से बाहर किसी प्लैनेट पे पहली बार वाटर वेपर डिटेक्ट किए गए हो। ये एक ऐसा स्टेप था कि हमें एक नई दुनिया इस प्लैनेट पे मिल सकती थी, लेकिन सिर्फ वाटर वेपर मिलने से ही K2-18b में जीवन फलफूल नहीं सकता था। हालांकि इस ग्रह का आकार हमारी पृथ्वी से 2.6 गुना तक अधिक है, तो वहीं 8.6 गुना तक ज्यादा मास भी है। ये हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट नेपच्यून जैसा ही है। हालांकि इस पर हुई स्टडी पे पता चला कि इस प्लैनेट पे भी जीवन हो सकता है। इस ग्रह के वातावरण में हाइड्रोजन की मात्रा बहुत है, तो वहीं मीथेन और अमोनिया जैसे केमिकल बहुत कम है। हालांकि इतने बड़े प्लैनेट पे ऐसे केमिकल बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये प्लैनेट अर्थ से काफी दूर है। ये अर्थ से 124 लाइट ईयर की दूरी में है। ये कॉन्स्टेलेशन लियो में स्थित है। ये प्लैनेट लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है जो कि हमारे सूर्य प्लैनेट के आधे आकार का है, और ये 32 दिनों में अपने सूर्य का चक्कर लगा लेता है। तो दूसरा एक्सोप्लैनेट है केपलर 1649c। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप का फ्यूल साल 2018 में खत्म हो गया था, लेकिन एलियन लाइफ ढूंढने का मिशन पे केपलर ने 2600 से अधिक अजीब और रोमांचक एक्सोप्लैनेट की खोज की। केपलर से मिले पुराने डाटा की खोज करने पर वैज्ञानिकों को एक एक्सोप्लैनेट मिला जो साइज और टेम्परेचर के हिसाब से अर्थ से सबसे नजदीक का ग्रह था। ये हमारी पृथ्वी से 1.6 गुना अधिक बड़ा और इसका टेम्परेचर भी हमारे पृथ्वी ग्रह जैसा ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके सूर्य पे मिलने वाला प्रकाश सिर्फ 75% ही पहुंचता है। अभी तक खोजे गए 4000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट कोई भी पृथ्वी के जैसा नहीं है, लेकिन केपलर 1649c पृथ्वी जैसा ही है और ये हमसे 300 लाइट ईयर की दूरी पे स्थित है। लेकिन ये रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करता है और रेड ड्वार्फ स्टार स्टेलर फ्लेयर छोड़ते रहते हैं, जिससे अगर हम इस प्लैनेट पे जाएंगे तो हमारी लाइफ वहां पे थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है। ये तारा 19.5 डेज में अपने तारे का एक चक्कर लगा लेता है। इसी स्टार सिस्टम का एक और प्लैनेट जो चट्टान का बना हुआ है और उसका साइज भी बिल्कुल केपलर 1649c जैसा ही है, जो हमारे लिए पॉजिटिव साइन। थर्ड एक्सोप्लैनेट है ग्लीसी 581g। ये प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से 20 लाइट ईयर की दूरी पे स्थित है। ये हमारे पृथ्वी से 2 से 3 गुना तक अधिक बड़ा ग्रह है। ये प्लैनेट अपने रेड ड्वार्फ तारे को 30 दिनों में एक बार चक्कर लगा लेता है। इस तारे की ऑर्बिटिक पोजीशन ही इस तारे को हैबिटेबल जोन में रखती है। इस प्लैनेट पे पानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। इस ग्लेजी 581 स्टार सिस्टम में 4 से 5 प्लैनेट मौजूद हैं। उनमें से एक प्लैनेट ग्लेजी 581f है जिसमें भी जीवन पनप सकता है। ये प्लैनेट स्कॉर्पियन कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। चौथा एक्सोप्लैनेट है HD 85512b।
एस्ट्रोनॉमर्स ने इस प्लैनेट को साल 2011 में खोज दिया था। इस प्लैनेट को सुपर अर्थ भी बोला जाता है। ये हमारे पृथ्वी ग्रह से लगभग 3.6 गुना से तक अधिक बड़ा ग्रह है। ये प्लैनेट हमारे ग्रह से 35 लाइट ईयर की दूरी में स्थित है। ये बेला कॉन्स्टेलेशन में है और इस ग्रह का सरफेस टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। ये प्लैनेट 58.4 दिनों में अपने स्टार की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। पांचवा एक्सोप्लैनेट है HD 40307G। ये एक्सोप्लैनेट HD 40307 स्टार सिस्टम का एक ग्रह है जो हमारी पृथ्वी से 42 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित है। ये प्लैनेट एक ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करता है जो हमारे सन से 75% कम लाइट प्रकाशित करता है। इस स्टार सिस्टम में 6 प्लैनेट है और HD 40307G इन सभी में 6 प्लैनेट में सबसे दूर का प्लैनेट है और ये इतनी दूरी से ही हैबिटेबल जोन में रहता है। इस पर पानी लिक्विड फॉर्म में है तो वहीं इस पर सॉलिड के रूप में चट्टाने भी हैं। इस प्लैनेट की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी से 2 गुना है। ये 198 दिनों में अपने स्टार को एक बार ऑर्बिट कर लेता है। इस प्लैनेट का रेडियस हमारे पृथ्वी ग्रह से 1.9 गुना तक अधिक है। सो दोस्तों, ये थे कुछ एक्सोप्लैनेट जहाँ पे हमें इन्हीं लाइफ मिल सकती है या कभी फ्यूचर में हम इन्हीं प्लैनेट्स पे जाने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर ले। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे।